अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, याकूतपुरे के सीनियर AIMIM के लीडर अजीम आजाद ने एक जिम्मेदारी का काम शुरू किया, जहां उर्दू किताबें रब्बी जैसे पन्नों को फेंका जाता है उसको एक जगह जमा कर रहे हैं, क्योंकि वाज़े रहे कि इस तरह के हमारे ही लोगों की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है, और यही वजह है कि जनाब अजीम आजाद ने ये काम को अंजाम दिया और कई महीनों से ये काम को अंजाम दे रहे हैं। ये वीडियो हम तक आई ताकि हम इसको मंजराम पे लाएं, और वो लोग जो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और जो अरबी के पन्ने और दूसरे किताबों के पन्ने जो फेंकते हैं, ये ठीक बात नहीं, उसको जलाना ही मुनासिब होगा। लेकिन इस तरह से बाज़ोखत कचरे में फेंका जाता है, बाज़ोखत कहीं दूसरे मुकामात पर ये देखने को मिलते हैं, और इसी बात को लेकर अजीम आजाद ने इसकी तलाश करते हुए जगह जगह पर इसको चुनते हैं और एक जगह इकट्ठा करते हैं। ये भी एक जिम्मेदारी का काम है, ये भी एक नेकी का काम है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही ये काम को अंजाम दें। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। रोड पे वो भी भर के रखे हैं, पूरे उड़ के रोड पे, कुरान शरीफ रोड पे जा रही है, ऐसा गलत है ना? नहीं डालो आप किसी के घर में ले जाके रख दो या कब्रस्तान में ले जाके दफना दो, गड़ा करके आप। अब एक गाड़ी भर के निकली है, अब यहाँ से उठा के हम ले जा रहे हैं चंद्रोड़ा कब्रस्तान में, वहाँ जगह है, वहाँ जगह देख के आए, उसमें ले जाके रख रहे हैं हम लोग। पूरे कुरान शरीफा हैं, पूरे ये कुरान शरीफा हैं, देख लीजिए। और बच्चे काम करने में हमारा अली जान है, उन लोग हैं, पूरे मिलके उठा रहे हैं, अल्लाह इसका अजर देगा। मगर कि रोडों पे मत फेंक दीजिए आप कब्रस्तानों के, झंडों के ले जाके मत रख दीजिए। ऐसे कि बाबा बहाद्दीन की दरगाह के पास में ये पूरे कुरान शरीफा है और यासीना है, पूरे फाड़ के नीचे रोड पे डाल दिए। हाँ, ये देख लीजिए, बेज भी हो रही है। अभी हम एक पूरा साफ करें, हाँ अभी हम पूरा साफ कर दिए। अल्लाह का शुक्र अदा कर, हमारे नज़रों में एक साहब बोले, हम उठा दिए, और हमारे को MLA साहब पाशा खादरी साहब भी बोले वहाँ पर, उनको इत्तला मिलते फौरन मेरे को बोले, मैं इंशाल्लाह उन्हें बोलने के बाद में दूसरे दिन उठा दिया पूरा। अब ये चंद्रवाड़ा जूनियर कॉलेज के लेके जाना है हमारे को पूरा, ये पूरे यासीन है, कुरान शरीफ है, बहुत अटैम रखे हुए है। ऐसा गलत तरीक़ा है ना, किसका भी ले जाके रोड पर डाल देना घर की चीज़, अच्छा तरीक़ा नहीं है। और अहमद पाशा खादरी साहब भी इत्तला दिए हमारे को, उस तरह से लेके आए। अब पूरा एक गाड़ी ट्राली भर के निकला, अब हम चंद्रवाड़ा जूनियर कॉलेज कने लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सब मुसलमानों को अपील है कि कुरान शरीफ कब्रस्तानों में छोटा गड़ा करके तो भी दफन कर दे, और झंडे के चबूतरों कने रख दे रहे हैं पूरा लेके आके, झंडे के चबूतरों कने से उड़ के चले जा रहे हैं। अब कैसा होंगे ऐसा होंगे तो अब हम देखीजिए, इतना साफ करें अब बताना नहीं है, मगर कि अब ये रोडों पे लेके आके डाल दे रहे हैं। ऐसे को कुरान शरीफ, ऐसे को ऐसा कुरान पूरा खोल के बताओ जी, कुरान शरीफ हुए ऐसे कि ये पूरे कुरान शरीफ खोल के बताइए, ऐसे को ऐसा रोड पे डाल देना अच्छी चीज़ है क्या? ऐसे को कुरान शरीफ, ऐसे को कुरान शरीफ रोड पे खोल के डाल दिए पूरी, देख मैं ठहरो, ऐसे बताओ बताओ, ऐसे को कुरान शरीफ ऐसा रोड पे पड़ी हुई है, अच्छा तरीका है क्या, बोलो आप। आप लोग से अजमन गुजारिश करते हैं कि अच्छा रोडों पे मत फेंको, समझे, आप घरों में रखो, नहीं तो कुरान शरीफ कोई मस्जिद में ले जाके पूछ के तो भी डालो, आप अंदर रखो उसको, अंदर डालो, अच्छा तरीक़ा नहीं है ऐसा, समझे साहब। अजमन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कब्रस्तान में एक छोटा सा गड़ा करके भी दफन कर सकते हैं। अब ऐसा देखो रोड पे नीचे पड़े हुए थे, देखिए पूरी रोड साफ करें हम लोग पूरे, ये देखो अली जान बोल के बच्चा है, मुकरम है, और पूरे मिलके करे अब भी, अल्लाह इसका अजर दे दो या मत दे दो, मगर कि मुसलमानों को बताने के आसे इबरत है ये, अपने मुसलमान ऐसा कैसा रोड पे लेके आके डाल दे रहे हैं, ये देखिए देखिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हिदायत दे अल्लाह ताला, चप्पल भी डाल के रखे, देखो